भाई और बहना, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भैया बहुत दूर से हमारे महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चल गया है, भैया का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंड भैया, हर हर महादेव। आनंद मोहन जी का? हाँ हाँ आनंद मोहन का। काग बाबू लखना, अगर अपने समय खाना उना नहीं खे मिलत, अरे खाना उना खा करके बाबू पटवा भिक्षा कर ले, पेट नहीं है बाबू, इंडिया का गेट है। भैया अंगद भाई के पास स्टूडियो महाकाल पे हम आई बाटी और इनसे इनके टैलेंट के बारे में हम आप लोगन के दिखाई। और अंगद भाई का काम करी ला है, मैंने आप कुछ टैलेंट के हमारे दर्शक के दिखाई, का टैलेंट आपके अंदर? हम तो आप सभी के सामने सभी भाई बहन छोटे मोटे कलाकार हैं। हाँ। तो बस अगर आप सभी का प्यार से बात सोचते हैं, हमारे ऊपर सदियों बना रहे, इस कंपनी के जो भी हम थोड़ा मोटा एक्टर हैं, जैसे गाने पे एक्टिंग करते हैं और मान लीजिए थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, जैसे आवाज होता है निकाल लेते हैं, जैसे भी कोई गाना चले तो उस पे एक्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं और ऐसे आवाज थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। अच्छा, आप हूबहू आवाज किसी एक्टर का निकाल सकते हैं का? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप सभी का प्यार हाथ सबका निकाल के दिखाएंगे कुछ दिन के बाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाटा, का उनका आवाज निकल जाए? मोदी जी का प्रधानमंत्री। मोदी जी के भाषण कोने तरह से दिला, भाइयों बहनों आज सुना जाए अंगद के मुख से। हाँ भाई, भाई अगर कुछ भी गलती हुई तो अपने छोटे भाई की माफ कर दिया, छोटे भाई समझ के तो सबसे पहले समझिएगा। भाई और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, भैया बहुत दूर से हमारे महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चल गया है, भैया का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगा भैया को, चैनल को आप लोग ढेर सारा प्यार से मार दीजिए, धन्यवाद। ये देखें मोदी जी के आवाज में कोने तरह अंगद भाई ने मोदी जी का आवाज निकल रहा, और सोचल चाहता नहीं और दिखावल चाहता नहीं कि और भी कोई कलाकार जे चाहे फिल्मी स्टार हो या किसी का एक आप रवि किशन जो यहाँ के सांसद, इनकी आवाज देखिए। रवि किशन जो भैया है उनका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं कर पाता, तभी निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। ए बाबू जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंड भैया, हर हर महादेव। दोस्तों इतना क्लियर लिखा नहीं पाता, लेकिन प्रयास करेंगे। लेकिन चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आवाज निकालना एक जादू है, इसलिए कोई भी जैसे कि किसी की आइडियो वायरल होती है तो इसलिए पुलिस है उसको मान नहीं करती है कि आदमी हर किसी का आवाज निकाल सकता है, इसलिए। और भाई अंगद निकला, भाई एक कोई फेमस हीरो का आवाज निकाला भाई? अच्छा आनंद मोहन जी का? हाँ हाँ आनंद मोहन का। काग बाबू लखना, अगर अपने समय खाना उना नहीं खे मिलत, अरे खाना उना खा करके बाबू पटवा भिक्षा कर ले, पेट नहीं है बाबू, इंडिया का गेट है, शुगर रस्सा लेगा तो लाठी चला के मारेंगे, प्रेग्नेंट हो जाओगे। अरे चाचा माफ कर दिया बाबू, अरे भैया के बहकावे में हम बोल रहे हैं बाटी, माफ कर दिया, छोट भाई भाई रहुआ लोग। ये देख लें आप कितने गजब आवाज, जो आप देख ले हुए भोजपुरी में एकदम धमाल मचोले आनंद मोहन जी, जेकरे आवाज हूबहू आवाज अंगद भाई निकलना, इनके आप लोग प्यार दुलार दे। और इनके जो स्टूडियो बा महाकाल स्टूडियो के सभी जितने मेंबर बा सबके प्यार दुलार से बात दे। और देखिए हम वो हैं जो सच दिखावे ला, ऐसे हर छोटी बड़ी प्रतिभा को दिखावे का हमारा प्रयास रहा ला, और गांव से लेकर के सदन, सड़क से लेकर सदन तक हमारा प्रयास वाला हर चीज दिखाई। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहेंगे, हमारे टीम के किसी भी मेंबर से कोई भी गलती हुई यदि दूसरे लोग क्षमा चाहते हैं, और आप लोग एक बार महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सेवा का अवसर जरूर दें। बनल रही हमारे साथ, तुम्हारे चैनल का नाम बा गांव में कावा, जितना लोगन बात है सभी भाई के आशीर्वाद दे। और महाकाल स्टूडियो के तरफ से भाई लोग शुभकामना भी देना कि हमारे चैनल में जितना लोग दर्शक बांटा सभी दर्शक इनके देखी प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए, और ताकि हम जिसे हमें बना भी ला उस हमारे भाई लोगन के बनाए, हम वही जो सच दिखाई ला। तब तक के लिए भैया नमस्कार, राम राम।